सो गाइज, आज की इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं किन चीज़ों को गूगल के ऊपर आपको सर्च नहीं करना चाहिए जो आपको मुसीबत में डाल सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा एंड इसमें मैं आपको 6 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जिसे आपको कभी भी गूगल के ऊपर में सर्च नहीं करना चाहिए। गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहाँ पर आप ढेरों सारी जानकारी, नॉलेज और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, बट उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिसे आपको कभी भी गूगल के ऊपर में सर्च नहीं करना चाहिए वरना आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लेकर या फिर क्रिमिनल या फिर टेररिज्म को लेकर। बेसिकली आपको क्रिमिनल से जुड़े कोई भी कीवर्ड्स गूगल के ऊपर सर्च नहीं करने हैं, क्योंकि यार जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज के दौर में यार सारी ही कंट्री टेररिज्म से ग्रसित है और काफ़ी जगहों पर यार काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इन सब से रिलेटेड कभी भी आपको सर्च गूगल के ऊपर में नहीं करना है, अदरवाइज आप जो है दिक्कत में आ सकते हैं। अगर आप कुछ इस तरीके के जैसे कि बॉम्ब बनाने के तरीके या फिर गन से रिलेटेड कोई भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल के ऊपर में, तो साइबर सिक्योरिटी वाले आपको ट्रैक कर लेते हैं, आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लेते हैं एंड हो सकता है कि आपको जेल भी हो सकती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे जुड़ी कोई भी चीज़ें गूगल के ऊपर सर्च आप ना करें। अब जो हमारे लिस्ट में जो दूसरा पॉइंट है वो है आपको लेके चाइल्ड अब्यूजिंग या फिर चाइल्ड पॉर्न को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि गूगल पर या फिर हर एक प्लेटफॉर्म पर पूरी कंट्री में ही चाइल्ड पॉर्न या फिर चाइल्ड अब्यूजिंग को लेकर बंद है सारी चीज़ें, बट अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं तो फिर आप जो है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी के नज़र में आ जाते हैं एंड दैट्स आप जो है अरेस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक क्राइम है, ये एक जुर्म है, इससे रिलेटेड चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए इस चीज़ों को कभी भी गूगल के ऊपर आपको सर्च नहीं करना है। अब जो नेक्स्ट आता है दोस्तों वो आता है कैंसर से रिलेटेड। अब आप सोचेंगे कैंसर क्या, तो भाई कैंसर से रिलेटेड का मतलब ये है कि आप अगर जो है गूगल के ऊपर में सर्च करते हैं कि किन खानों को खाने से कैंसर होता है, देख सकते हैं कि दो ही चीज़ें होती हैं, या तो फिर कोई खाना आप खाते हैं तो कैंसर या फिर नहीं खाते हैं तो खुद के डॉक्टर कभी मत बनिए। इसके लिए मैं प्रिवेंट करूँगा कि आप जाकर डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से राय लें कि भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी मेडिकल्स कंपनियां वगैरह हैं जो काफ़ी सारे लोग ये अफवाह भी फैला देते हैं कि कैंसर नाम की कोई बीमारी ही नहीं है, मेडिकल कंपनी सिर्फ अपना फ़ायदा करने के लिए ऐसी बीमारियों को लेकर आ रही हैं, ये वो दिस डैट। काफ़ी सारे नॉलेज आपको मिल जाएंगे गूगल के ऊपर में। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे जो फैक्ट्स होते हैं वो सारे फेक भी होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा फेक होता है, बट इतना याद रखिए यार कि काफ़ी सारे फैक्ट्स जो होते हैं वो फेक होते हैं। तो इसलिए खुद के डॉक्टर कभी मत बनिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सजेशन लीजिए क्या दवाई लेना है, वो आप उनसे डिस्कस कीजिए। अब जो हम आते हैं अपने नेक्स्ट और चौथे टॉपिक की तरफ, तो वो है दोस्तों कि आपको गूगल के ऊपर यार एबॉर्शन से लेकर कभी भी सर्च नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, एबॉर्शन, इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारी कंट्री में ये बैंड हो चुका है एंड दैट्स काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर लोग सर्च करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पर कभी भी सर्च ना करें, खुद के डॉक्टर नहीं बनिए, आप जाकर आप जो है डॉक्टर से सलाह लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप डॉक्टर से पूछिए जो एक सही वे है। कभी भी खुद से ऐसी कोई भी चीज़ें ना करें जो आपको परेशानी में डाल सकती हैं। तो गाइस, अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एबॉर्शन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, गूगल पर कभी भी आपको एबॉर्शन से रिलेटेड सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप यार मिसगाइड हो सकते हो एंड दैट्स ये काफ़ी सारे जगहों पर बैन भी है। तो इसलिए आपको इससे रिलेटेड कोई भी हेल्थ इशू है तो आप जो है गूगल के ऊपर सर्च ना कीजिए, क्योंकि आप वहाँ पर मिसगाइड हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग डायरेक्ट ही बोल देते हैं भाई पपीता खा लो, ये खा लो, वो खा लो, तो इससे आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी गलती आपको बिल्कुल कभी भी नहीं करनी है। आप डायरेक्ट जाइए डॉक्टर के पास, वहां पे आप सजेशन ले सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यार हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, हेल्थ हमेशा हर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फास्ट जो आपको देना चाहिए ध्यान वो अपने हेल्थ पर देना चाहिए ध्यान। तो इससे रिलेटेड आप गूगल पर सर्च करके कभी भी कोई भी चीजें यूज ना करें। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों वो है हमारा स्किन डिजीज वगैरह को लेकर के। काफ़ी सारे लोगों में यार होता है कि स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आई या फिर कोई भी दिक्कतें आई तो डायरेक्ट लोग गूगल पर सर्च कर लेते हैं, तो उसमें बोल देते हैं भाई ये लगा लो वो लगा लो। आपने गूगल पर या फिर आपने यूट्यूब पर भी यार देखा होगा काफ़ी सारे लोगों को, ये लगा लो भाई गोरा हो जाओगे, वो लगा लो भाई काले हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे। तो ऐसे रिलेटेड कोई भी वर्ड्स आपको गूगल के ऊपर में सर्च नहीं करना है, क्योंकि इससे आप यार मिसगाइड हो सकते हैं। आपको जैसा मालूम होगा कि गूगल पर जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फेक होती है, तो इससे आपको बचना चाहिए, इससे प्रिवेंशन
क्योर करना चाहिए। दोस्तों बोलते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो इस चीज पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में दोस्तों एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि गूगल के ऊपर यार कभी भी आप जाते हो तो वहां पर कुछ लोगों को मैंने देखा है कि गूगल के ऊपर जाकर गूगल टाइप करते हैं एंड दैट्स उसे सर्च करते हैं, फिर गूगल का एक नया टैब खुलता है उसमें फिर जाकर सर्च करते हैं। भाई ऐसा क्यों करते हो यार, ऊपर में एक जो टैब रहता है डायरेक्ट ही आप वहां पर कोई भी चीज सर्च करो, गूगल इतना फास्ट है कि आपको डायरेक्ट ही आंसर दे देगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यार वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में बेल नोटिफिकेशन होगा उसे भी दबा दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।